प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विजयपाल, पीजीटी हिस्ट्री, GSS रुड़ाई रेवाड़ी, आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने पार्ट वन क्लास इलेवेंथ के चैप्टर सिक्स के पार्ट वन में, और चैप्टर का नाम है तीन वर्ग थ्री ऑर्डर्स, इसका जो पार्ट वन है उसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम उसे शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है मध्यकालीन यूरोप, विशेष करके ना जैसे आप मैप में देखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस के संदर्भ में मध्यकालीन यूरोप। टाइम पीरियड है 1300 से 1700 ईस्वी के बीच में। इस पीरियड में यूरोप में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटती हैं, विशेष करके ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में, और इन घटनाओं को हम एक सामान्य रूप से सामंतवाद के नाम से जानते हैं। यानी कि इस पूरे चैप्टर में या वीडियो का जो टारगेट है इन परिवर्तनों को, या ये कहिएगा सामंतवाद को समझना जानना, इस चैप्टर का टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, हमने पहले वाले पार्ट में इन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहले वाला पॉइंट सामंतवाद का परिचय, दूसरे वाला पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस क्या कैसे उसका पास्ट से प्रेजेंट हम क्या आते हैं ये वाला। तीसरा, समाज के तीन वर्ग, इसमें हम पादरी और किसान इन दोनों को डिस्कस आज करेंगे। अभिजात वर्ग है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि हमने पहले बताया था कि पादरी अपने आप को एक नंबर पे रखते हैं, अभिजात को नंबर दो पे रखते हैं, और किसान जो थर्ड वर्ग है उसको अपने आप तीसरे पे रखते हैं। लेकिन चूंकि अधिकार की वजह से, राइट्स की वजह से, या सोसाइटी में स्टेटस की वजह से अभिजात पावरफुल है, इसलिए इसको हमने पहले डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में जो हमें पॉइंट डिस्कस करने हैं, इन तीन वर्गों में से पादरी वर्ग और किसान वर्ग को डिस्कस करेंगे कि इनके पास किस प्रकार के अधिकार हैं, किस प्रकार के इनके पास ड्यूटीज हैं, और सोसाइटी में इनका क्या स्टेटस है, ये डिस्कस करना है। इसके बाद सामाजिक और आर्थिक जो संबंध है इन तीनों वर्गों के बीच में, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या इनके संबंध कैसे प्रभावित होते रहते हैं समय के हिसाब से, उसको जानना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, चौथा वर्ग, यानी कि तीन वर्ग तो ये हो गया, एक चौथा वर्ग है जो व्यापार पे बेस्ड है, जो नगरों में है या नगरवासी के तौर पे या नगर में जो क्रियाएं हैं उसके आधार पे अपना स्टेटस बनाता है। और ये जो पॉइंट्स हैं, 14वीं सदी का संकट, सामाजिक असंतोष और राजनीतिक परिवर्तन, ये हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यूरोप विशेष करके ना इंग्लैंड और फ्रांस, ये दो देश हैं जहां पर हमें समाज का तीन वर्गों में या तीन ऑर्डर में स्पष्ट डिवीजन दिखाई देता है। अभिजात या कुलीन वर्ग है, इनका समाज में क्या रोल है, किस प्रकार ये अपना राजा के साथ संबंध रखते हैं, किस प्रकार किसानों से इनका करप्शन है, मेनोर व्यवस्था क्या है, नाइट्स या जो फीफ व्यवस्था है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पादरी वर्ग और किसान वर्ग के बारे में। जो पादरी वर्ग है वो चर्च से जुड़ा हुआ है, यानी कि धार्मिक जो क्रियाएं हैं उससे संबंधित है, धर्म के क्षेत्र में पादरी हैं, ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं। जैसे राजा का लॉर्ड्स के साथ, छोटे लॉर्ड्स के साथ और किसानों के साथ एक चेन सिस्टम बना हुआ है, इसी तरह ही चर्च में भी अपना एक चेन सिस्टम बना हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर पोप है,
आगे फिर आर्क बिशप है, आर्क बिशप से आगे बिशप है और उनसे आगे पादरी। ये एक चेन सिस्टम बना हुआ है। पोप पूरे ईसाई समुदाय का या ईसाई लोगों का रिलीजियस हेड है, धार्मिक मुखिया है। उसके नीचे बड़े बड़े आर्क बिशप है जो लॉर्ड की तरह ही जीवन जीते हैं, क्योंकि इनके पास भी लॉर्ड्स की तरह या सामंतों की तरह बड़े बड़े भूमि के क्षेत्र हैं, और इनके नीचे बिशप हैं और उससे नीचे सबसे नीचे पादरी है। धर्म के क्षेत्र में एक और दूसरा समुदाय भी है जिसको हम भिक्षु कहते हैं या मोंक के नाम से भी जानते हैं, और महिलाओं में नन के नाम से जानते हैं। ये लोग मठों में रहते हैं और आम जो भीड़भाड़ा इलाका है, गांव या शहर, उससे अलग रहते हैं। एक इसी में ही भिक्षुओं में एक दूसरा ग्रुप और है जिसको हम फ्रेयर कहते हैं या फ्रेयर के नाम से जानते हैं। ये लोग बिल्कुल एकांत जीवन ना जीकर के ना लोगों के बीच घूमते हैं, यानी कि लोगों के बीच रहते हैं, बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं और दान पर इनका जीवन चलता है। तो ये कह सकते हैं कि धर्म के मामले में एक प्रकार से तीन ग्रुप हो गया। एक चेन सिस्टम है, पोप, आर्क बिशप, बिशप और पादरी, ये गांवों और शहरों में रहते हैं जहां चर्च है। दूसरा जो ग्रुप है, इस भीड़ वाले इलाके से बिल्कुल एकांत इलाकों में जो रहते हैं, वो भिक्षु हैं, जिसमें दोनों ही है, महिला पुरुष है, मॉन्क या नन, जो मोनेस्ट्रीज में या मठों में रहते हैं। और तीसरा भिक्षुओं का एक ग्रुप है जो फ्रायर है, जो किसी पर्टिकुलर जगह पे ना रह करके ना लोगों के बीच में घूमते हैं और बिल्कुल सिंपल जीवन जीते हैं और दान पर उनका जीवन चलता है। अगर हम इन लोगों के जीवन को देखने की बात करते हैं या इनके समाज में इनके अधिकारों की बात करते हैं, तो पोप का समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है, या ये कह सकते हैं सभी लोग इनको अपना मुखिया मानते हैं और ये धार्मिक मामलों में सर्वे सर्वा है। क्योंकि राजाओं ने इनको बहुत ज्यादा भूमि दान में दी हुई है, जमीन दान में दी हुई है, और बिशप्स के पास या आर्क बिशप के पास हजारों एकड़ जमीन होती है जिसमें वो मालिक है। इस जमीन से चूंकि लोग खुद काम नहीं करते हैं, चूंकि इस पे किसान काम करते हैं और किसानों से टैक्स लेते हैं, लगान लेते हैं। इसके अलावा तीसरा जो समुदाय है उससे एक विशेष प्रकार के लोग टैक्स लेते हैं जिसको टिथे के नाम से जानते हैं, जो कुल उत्पादन का, टोटल प्रोडक्शन का 1/10 होता था या 10वां भाग होता था। पोप में या चर्च में एक सिस्टम है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जो दास है उसको पादरी नहीं बनने दिया जा सकता था, या उसको मना किया गया था। महिलाएं हैं उनको नहीं बनने दिया जाता था, या कोई गुलाम है उसको पादरी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन भिक्षु वाले जो मैटर है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। इसमें अलग प्रकार की कंडीशन है और फ्रायर है, ये सभी चीजें शामिल है। जब हम अभिजात का और पादरी वर्ग का आपस में संबंध देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि पोप है या चर्च सिस्टम है, ये काफी हमें मजबूत नजर आता है। सेम इसी तरह की कंडीशन भारत में ब्राह्मणों की देखने को मिलती है। दो पुराने प्रसिद्ध मठ हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखते हैं, एक इटली का है और दूसरा फ्रांस का। इन दोनों जो मठ जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, काफी ज्यादा
ईसाई क्षेत्र में इन को पवित्र माना जाता है या इनकी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा लोगों के दिलों में देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, तीसरा जो वर्ग है जो मुख्य जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है, या ये कह सकते हैं कि पहले दोनों जो वर्ग है पादरी और अभिजात वर्ग, ये दोनों कुल जनसंख्या का लगभग 10% है और किसान ये कह सकते हैं कि 90% है। यानी कि जनसंख्या का सबसे बड़ा जो भाग है वो तीसरा ग्रुप है, तीसरा वर्ग है जो किसान है। और किसानों में भी दो प्रकार के लोग हैं, एक स्वतंत्र किसान है और दूसरा कृषि दास है। स्वतंत्र किसान वो हैं जिनके पास अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है या व्यक्तिगत जमीन है, भूमि है। और दास वो लोग हैं जिनके पास अपना कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी इस तरह का कुछ भी नहीं है, और ये एक प्रकार से गुलाम है, किसके? लॉर्ड के या सामंत के। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था, जब हम अभिजात वर्ग को डिस्कस कर रहे थे तो देखा था कि किसान है वो अपनी जमीन पे काम करता है, साथ में हफ्ते में 3 या कभी कभी उससे ज्यादा दिन काम करेगा, किस पर? लोड की जमीन पर, लोड के खेतों में, जिसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। ये प्रकार की ये एक प्रकार से उसकी ड्यूटी है कि वो लोड के खेतों में काम करेगा, हालांकि बाकी समय में वो अपने खेतों में काम करता है और अपने खेतों से जो पैदावार होती है उसमें सरकार को यानी कि राजा को टैक्स देना पड़ता है, जिसको टैली के नाम से जानते हैं। यानी कि दो प्रकार का टैक्स हो गया है, किसान देते हैं एक टैली जो राजा को देते हैं और एक टिते हैं जो पादरी वर्ग को या चर्च को पे करते हैं। किसान चूंकि लोड की जमीन पे काम कर रहा है और उसके खेत को तैयार करना, फसल बोना, फसल को काटना, ये तो सब करेगा ही करेगा, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर और दूसरे काम करना, जैसे उसके फैक्ट्री में काम करना, उसके लिए मदिरा तैयार करना, और इस कामों में राजा के लिए या लोड के लिए किसान के साथ साथ उसके बच्चे, उसके परिवार के दूसरे लोग यानी कि स्त्रियां, ये सभी लोग काम करते हैं और इनके बदले में इनको कुछ नहीं मिलता, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनको बेगार करनी पड़ती है। बेगार का मतलब जिस काम के बदले में हमें कोई पैसा नहीं मिलता उसको हम बेगार कहते हैं, या जबरदस्ती हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे जो काम करवाया जाता है उसको हम बेगार कहते हैं। कृषि दास है, इनका जीवन वास्तव में गुलामों की तरह है, क्योंकि इनके पास अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं है, इनके पास किसी प्रकार की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये लॉर्ड है उसी के खेत पे काम करेंगे, उसके हिसाब से जीवन जिएंगे, इवन ये अपनी मर्जी से मैरिज या शादी तक नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में सामंत को या लॉर्ड को कुछ उपहार या भेंट देना होगा। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन पूरी तरह से थर्ड ग्रुप यानी कि किसान कर रहे हैं, और सारे एक प्रकार से जितने भी टैक्सेस हैं मैक्सिमम यही ग्रुप पे करता है, और पहले वाले दोनों ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप को किसी भी प्रकार से टैक्स पे करने से मना किया हुआ है, उल्टे ये लोग खुद किसानों से टैक्स लेते हैं। प्यारे बच्चों, समाज के जो तीन वर्ग हमने अभी तक देखे हैं, यानी कि पादरी जो वर्ग है, अभिजात वर्ग, और तीसरा सामान्य जनता का या किसान जिसे मैक्सिम किसान है, इन तीनों का आपस में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार के इनके रिलेशंस हैं, और इन रिलेशंस को कौन कौन से फैक्टर्स या कारक प्रभावित करते हैं, उनको देखने की जरूरत है। यानी कि इन तीनों जो ग्रुप हैं इनके आपस के रिलेशन स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, चीज़ों के बदलने से इनके रिलेशंस में भी बदलाव आ जाता है,
तो इस प्रकार के कुछ फैक्टर है जो इनके रिलेशंस को प्रभावित करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला इस तरह का एक कारक है वो है पर्यावरण, यानी कि एनवायरमेंट। पर्यावरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनके रिलेशंस आपस में चेंज होते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में 5 से 10वीं सदी के मध्य तक ठंड का दौर रहता है या सर्दी का दौर रहता है, और सर्दी के दौर की वजह से जो इलाका है या खेती करने लायक जो समय है, अंतराल है, वो काफ़ी कम है, और अधिकतर जो क्षेत्र है उसमें जंगल है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखेगा, पूरा ग्रीनरी है, जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है, और इस जंगल को देखने में क्लियर है कि खेती लायक जमीन है वो काफी कम। इसकी वजह से राजाओं की इनकम काफी कम है, लेकिन इस सिस्टम में बदलाव जब आता है जब 11वीं सदी में पर्यावरण में या वातावरण में भी बदलाव आ जाता है, और सर्दी का मौसम खत्म हो जाता है और धीरे धीरे गर्मी का मौसम आता है। तो गर्मी का मौसम आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जंगल धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, और जंगल कम होते चले जाते हैं तो इसका मतलब है खेती लायक जमीन है उसका एक्सपेंशन हो जाता है या उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और जैसे जैसे खेती लायक जमीन बढ़ेगी, राजा के पास लगान बढ़ेगा, कर बढ़ेगा, और कर बढ़ने की वजह से उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे राजा की या अभिजात वर्ग की इनकम बढ़ेगी उतना ही पादरी वर्ग और किसान वर्ग के साथ उसके रिलेशंस में बदलाव होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं यूरोप में जो 3 वर्ग हैं, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और किसान, इन तीनों के संबंध किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं। पहला वाला जो पर्यावरण वाला है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे 11वीं सदी में बदलाव आता है और संबंध भी बदल जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरे फैक्टर की या दूसरे कारक की, वो है भूमि का उपयोग। जैसे जैसे भूमि का उपयोग बदलता जाता है इन तीनों वर्गों के आपस के संबंध भी बदलते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए शुरुआत में यहाँ जो तकनीक है वो बड़े ही प्राचीन स्तर की है, या कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से या प्राचीन तरीके से ये लोग कृषि करते हैं, ये लोग मतलब किसान हैं वो कृषि करते हैं। तरीका क्या है, बैल है और लकड़ी का हल है, और चूंकि आप लोग जानते हैं लकड़ी के हल से जमीन को गहराई तक नहीं जोता जा सकता है, इसलिए पैदावार भी ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीज ऊपर रह जाता है और जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं पाता है और जमीन का जो उपजाऊपन वाला पोर्शन है वो ऊपर नहीं आ पाता है, कुल मिलाकर के ना पैदावार कम होती है। इसके अलावा जो बैलों को हल से कनेक्ट करने के लिए जोत जो है वो गले में लगाया जाता है, यानी कि गले में जो हल है उसका जोत लटकाया जाता है। इसकी वजह से बैलों को हल को खींचने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा तरीका क्या है कि कुल भूमि है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, यानी 2 भाग कर दिए जाते थे, एक भाग पर खेती की जाती है, कृषि की जाती है, और दूसरा भाग है वो खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि प्रति भूमि के रूप में उसको छोड़ दिया जाता है और अगले साल उस खाली भूमि पर खेती की जाती है, और ये प्रोसेस है लगातार चलता रहता है जिसकी वजह से जमीन का उपजाऊपन है या उसकी फर्टिलिटी है वो खत्म होती चली जाती है, और अल्टीमेटली जो खेती में है किसी भी प्रकार का विकास हमें देखने को नहीं मिलता है, और इससे राज्य की, राजा की या सामंतों की और किसानों की सभी की आय है वो सीमित रहती है।
लेकिन राजा जो लोग हैं वो जो लॉर्ड वगैरह हैं इस पूरे सिस्टम के बावजूद भी अपना पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसका दूसरा तरीका ढूंढा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है वो कृषि के अंतर्गत लाने की बात करते हैं, यानी कि कृषि का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसानों से जबरदस्ती काम करवाया जाएगा, यानी कि उनका शोषण किया जाएगा। और चूंकि किसान है वो लॉर्ड को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इसका विरोध अपने तरीके से करते हैं। तो धीरे धीरे काम में लगे रहते हैं, लेकिन स्लो कर देते काम को और क्षेत्र का विस्तार करते जाते हैं, उसमें अपने नया कोई चीजें डेवलप नहीं करते हैं। इसका अल्टीमेटली आउटपुट ये निकलता है कि क्षेत्र बढ़ता है लेकिन टोटल पैदावार कम होती जाती है, और कुल मिलाकर के ना किसान, लॉर्ड और राजा उनके बीच एक प्रकार का रिलेशंस बना हुआ है जो कुछ भी नया करने के लिए तैयार नहीं है। पहले बच्चों, सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, कारकों की बात कर रहे हैं जो समाज के तीनों वर्गों के संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। दो कारक हम डिस्कस कर चुके हैं और तीसरा कारक है नई कृषि तकनीक या प्रौद्योगिकी। जैसे जैसे खेती करने के तरीके में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार से इन तीनों वर्गों के रिलेशंस भी आपस में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि पहले पुराने तरीके से खेती हो रही है, यानी कि जो बैल है और जिस हल को वो खींच रहे हैं तो उसका जो फाल है, यानी हल का फाल है वो लकड़ी का है, और उसकी वजह से भूमि की गहराई तक जुताई नहीं हो पा रही है। अब इसमें क्या करने लगे कि जो फाल है वो लकड़ी की जगह पे लोहे का बनाया जाने लगा, और उसकी वजह से गहराई तक जमीन को जोता जाने लगा और नीचे की जो उपजाऊ क्षमता है उसको या उपजाऊ मिट्टी है उसको ऊपर लाया गया, और इसका असर ये हुआ कि पैदावार बढ़ गई। दूसरी कमी हमने ये देखी थी कि जो जोत है वो गले में लटकाया जाता है बैलों के, अब उसको चेंज करके ना अब कंधे पे रखा जाने लगा है। कंधे पे रखने की वजह से बैल है उसको, यानी कि हल को खींचने में ज्यादा ताकत लगाएंगे और जल्दी से अब खेत को जोता जा सकेगा, यानी कि बैलों को कम मेहनत से ज्यादा खेत जोतने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमने पहले देखा था कि खेत को दो भागों में बांट करके ना पैदावार ली जाती है, अब दो भागों की जगह पे खेत को तीन भागों में बांटा जाने लगा है। तीन भागों में बांटने का मतलब ये हो गया कि एक साल में दो भाग पे खेती की जा रही है और तीसरा भाग है उसको खाली छोड़ा जा रहा है, और अगले साल में दो भाग ले ले जाएंगे, जो पहले खाली छोड़ा था एक पहले वाला, और फिर तीसरे भाग में फिर दो ले जाएंगे। यानी कि अब हर साल जहां पे पहले 50% क्षेत्र में खेती होती थी, अब लगभग 66% जो क्षेत्र है वो कवर किया जा रहा है। और पहले क्या था कि एक साल में एक ही फसल ली जा रही है, अब मौसम के हिसाब से उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें ली जा रही हैं, और साल में दो फसलें ली या उससे ज्यादा फसलें ली जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा जमीन का हिस्सा नहीं है जो एक साल में कम से कम एक बार ना पैदावार लेता हो। इस टेक्निक के वजह से पैदावार बढ़ गई, साथ ही भूमि में फसल का चक्रण यानी कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की वजह से जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो भी अपने आप होने लगी, यानी नेचुरल जो जमीन की जो स्वाभाविक पैदावार है वो अपने आप बढ़ने लग गई। इसके अलावा जो इलाका है उसको भी, चूंकि आप लोग देख चुके हैं कि 11वीं सदी से ही पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा था, और इसकी वजह से कृषि का जो कुल क्षेत्र है उसका विस्तार होता चला गया है, यानी कि हर प्रकार से पैदावार बढ़ने लगी है। और पैदावार ज्यादा बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा,
कि राजा की इनकम बढ़ेगी, और राजा की इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि राजा का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव और देखने को मिलता है, 13वीं सदी से ही मुद्रा का यानी कि करेंसी का प्रचलन शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से जो खेती का या सामंत का किसान के साथ रिलेशन था उसमें बदलाव होने लग गया। पहले क्या था कि काम के बदले में लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं, अब काम के बदले में लोग पैसा लेने लगे हैं या देने लगे हैं। इसका मतलब लोगों के साथ जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो पहले जैसी मजबूत नहीं रही, और इसकी वजह से धीरे धीरे सामंतवादी जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें क्रैक्स यानी दरारें आने लगी, और अल्टीमेटली कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि ये सामंतवादी व्यवस्था है यूरोप में ख़त्म हो जाती है। तो ये तीन बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से लोगों के रिलेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ बदलाव होते रहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस पार्ट में दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला क्या है, समाज के तीन वर्ग, पादरी, अभिजात और किसान, इन तीनों के किस प्रकार के रिलेशंस हैं, वो किन कारकों से प्रभावित होते हैं, वो दूसरा पॉइंट है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, और ये कारक कौन से हैं, पर्यावरण, भूमि का उपयोग और कृषि तकनीक। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में इतना ही, इससे आगे के जो पार्ट हैं वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा।